Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम एक इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ने वाले हैं. Guys, वो इन्फेक्शियस डिजीज है रेबीज. तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेबीज का कॉजल एजेंट क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस जो रेबीज डिजीज़ है ये भी वायरस के थ्रू होती है. ठीक है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है क्योंकि गाइस रेबीज डिजीज़ में जो पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगने लगता है, फियर ऑफ वाटर हो जाता है. तो इस वजह से रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं. ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है. और गाइस कौन सा वायरस होता है, रेबीज वायरस, जिसको लाइसा वायरस भी कहा जाता है. ठीक है, तो याद रखिए कि जो रेबीज होती है बीमारी वो वायरस से होती है. कौन से वायरस से होती है, रेबीज वायरस या फिर जिसको लाइसा वायरस भी कहा जाता है. गाइस ये जो वायरसेस होते हैं ये रेबाइड मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे डॉग है, मंकी है, कैट है एंड रैबिट है. तो गाइस ये जो रेबाइड एनिमल होते हैं, रेबाइड मतलब मैड एनिमल्स जो होते हैं, गाइस अगर जैसे किसी डॉग के सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट है तो वो खुद ही कैसा हो जाएगा, रेबाइड हो जाएगा और वो मैड होने लगेगा. ठीक है, क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है. ठीक है, तो गाइस जब कोई रेबाइड एनिमल बाइट कर लेता है तो उस टाइम पे जब वो बाइट करता है तो उसके सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है. तो उसके सलाइवा से जो ह्यूमन ब्लड है उसके अंदर ये वायरस चला जाता है और रेबीज की बीमारी हो जाती है. तो गाइस रेबीज की बीमारी कैसे होती है, जब कोई रेबाइड मैमल बाइट कर लेता है ह्यूमन बींग्स को तो रेबाइड मैमल्स के अंदर ये वाले वायरस प्रेजेंट होता है. तो ये वायरस उसके सलाइवा के थ्रू जब वो बाइट करता है तो ह्यूमन ब्लड में चला जाता है और रेबीज की बीमारी हो जाती है. ठीक है, तो गाइस जो रेबाइड डॉग्स होते हैं, मंकी होते हैं, कैट होती है या रैबिट्स होते हैं और भी मैमल्स जो होते हैं जो रेबाइड होते हैं जिनके सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है, जनरली उसके बाइट से ये जो डिजीज़ है ये स्प्रेड होती है. ठीक है, गाइस जो रेबीज के सिम्टम्स होते हैं, रेबीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो 1 से 3 महीने के बाद डेवलप होते हैं. अचानक से एकदम से हल्की साल सिम्टम्स डेवलप नहीं होते. जिसके सिम्टम्स होते हैं वो 1 to 3 months के बाद डेवलप होते हैं. ठीक है, तो गाइस देखिए रेबीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, सीवियर हेडेक होने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज हेडेक होने लगता है, हाई फीवर आ जाता है, देन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. गाइस जो मसल्स होती हैं उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में तो सीवियर पेन होने लगता है. देन फील रेस्टलेस, जो पेशेंट होता है वो रेस्टलेस फील करता है. डिफ़िकल्टी इन इनटेक ऑफ इवन लिक्विड फूड. गाइस मेनली यहाँ पे जो मसल्स में जो पेनफुल होता है वो थ्रोट और चेस्ट की मसल्स में होता है, तो स्वेलिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. तो जो लिक्विड फूड होते हैं, लिक्विड फूड को भी स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है. ठीक है, देन पेशेंट डेवलप्स फियर ऑफ वाटर. गाइस इस केस में जो पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगने लगता है, तभी रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स फियर, तो फियर ऑफ वाटर हो जाता है इस बीमारी में. ठीक है, देन गाइस इसका जो प्रिवेंशन है, इसका प्रिवेंशन है क्लीनिंग द वुंड विद कार्बोनिक सोप एंड क्लियर वाटर इमिडिएटली आफ्टर द डॉग बाइट. गाइस अगर कोई किसी डॉग ने बाइट कर लिया, अगर कभी कोई डॉग काट जाता है तो जब वुंड बन जाता है तो उस वुंड को कार्बोनिक सोप और क्लीन वाटर से हल्की साल वॉश कर लेना चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड कैट. गाइस जो स्ट्रीट डॉग्स और जो कैट होती हैं उनको इम्यूनाइजेशन करना ज़रूरी होता है ताकि उनकी बॉडी में अगर जो वायरस है वो ख़त्म हो सके. ठीक है, देन नेक्स्ट रेबाइड एनिमल्स शुड बी किल्ड. गाइस जो रेबाइड एनिमल्स होते हैं, रेबाइड एनिमल्स देखकर ये पता चल जाते हैं क्योंकि वो उन एनिमल्स में जो सेलिवेशन होता है वो ज़्यादा होने लगता है. ठीक है, और जब वो बाइट कर लेते हैं किसी भी पर्सन को तो वो आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं.
ठीक है। तो गाइस ये जो रेबाइट एनिमल्स होते हैं, जैसे रेबाइट डॉग है, रेबाइट कैट है, तो इनको मार देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये अगर किसी को इन्होंने काट लिया तो उसको रेबीज की बीमारी हो जाती है, ठीक है। देन आते हैं इसके कंट्रोल। तो गाइस इसका कंट्रोल है पाश्चर ट्रीटमेंट। गाइस लुईस पाश्चर ने ये ट्रीटमेंट निकाला था जिसको पाश्चर ट्रीटमेंट कहते हैं। गाइस इस ट्रीटमेंट में कोर्स होता है 14 वैक्सीन का, ठीक है। इस ट्रीटमेंट में 14 वैक्सीन का पूरा कोर्स होता है, तो पेशेंट को 14 वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। बट अभी करेंटली अगर हम बात करते हैं तो गाइस 5 एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स होता है। अब जो चल रहा है ये 14 वैक्सीन पहले चलता था, बट गाइस अभी के टाइम पे 5 एंटी वैक्सीन रेबीज वैक्सीन का कोर्स चलता है। तो गाइस इस कोर्स में जब डॉग बाइट कर जाता है, तो डॉग जिस दिन बाइट करा उस दिन, देन थर्ड डे, देन सेवेंथ डे, 14th डे एंड 30th डे, गाइस इन सभी डेज, इन पांचों दिन ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो यहाँ पे 5 एंटी रेबीज वैक्सीन का ये पूरा कोर्स होता है। जब डॉग बाइट कर जाता है तो उस दिन, देन उसके थर्ड डे, सेवेंथ डे, 14th डे एंड 30th डे एक एक वैक्सीन लगाई जाती है, ये पांचों दिन, ठीक है। तो जो लुईस ट्रीटमेंट था ये पहले चलता था जिसमें 14 वैक्सीन दी जाती थी, बट अब करेंटली ये 5 एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स चलता है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि जो रेबीज डिजीज़ है ये भी किसके थ्रू स्प्रेड होती है, वायरस के थ्रू। कौन से वायरस के थ्रू? रेबीज वायरस, जिसको लाइसा वायरस कहा जाता है। गाइस जब कोई रेबाइट एनिमल बाइट कर जाता है, बाइट कर लेता है ह्यूमन बींग्स को, तो रेबाइट एनिमल के सलाइवा में ये वाला वायरस प्रेजेंट होता है। तो जब वो बाइट करता है तो ये वायरस ह्यूमन बींग्स के ब्लड में चला जाता है और रेबीज बीमारी हो जाती है, ठीक है। देन इसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये चीज़ याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।